घातक भाव कितनी याद आती होंगी। केवल पिस्टल के साथ ये फाइट निकालना, पहले पिस्टल के साथ स्काउटों पे। अभी कुछ लोग हैं जो मुझे जानना है कि क्या वो अभी भी आसपास है, उनकी याद कितनी आती है। गेस नाम बताऊं या क्यों गेस करना चाहेगा? कौन सबसे पहले? अभिजीत अंधारे है ना, घातक भाव। कितनी याद आती होंगी? आती है। हाल रिसेंटली हाल हुई थी होती है लाइक इतना नहीं हुआ लाइक उसने भी अभी लाइक यू नो अपना नया स्टार्ट किया है, तो अभी मैं भी थोड़ा लाइक मैं भी स्पोर्ट्स में, वो भी लाइक यू नो टूर्नामेंट, तो उतना मिलजुल नहीं होता, बट ऐसे नॉर्मल बात तो होती रहती है इंस्टाग्राम वगैरह पर, तो मिस तो बोल सकते हैं यार, क्योंकि स्टार्टिंग से साथ में आए थे यहाँ तक, तो होता है वो कभी कभी आती है चीजें। सेकंड लाला, लाला तो अपना कभी भी मिलता है, अभी भी है, बाजू में ही है। और क्या मतलब लाला गॉड लाइक छोड़ के गया है, तुझे थोड़ा ऐसे खटास है कि भाई को भाई का छोड़ के नहीं है, पार्ट तो फॉरएवर है, चाहे जो भी हो सारे लोग पार्ट तो है। और आखिर में शैडो, उसके साथ भी काफी लंबा अरसा बिताया। शैडो, हाँ शैडो भी मैं यार अभी मिला लाइक, वैसा सबके साथ एकदम बढ़िया है, ऐसा नहीं कि लाइक यू नो सब छोड़ के गए तो सब एकदम खत्म ही हो गया, लाइक अभी भी जो पहले जैसे भाई थे अभी भी भाई है, एंड हक से भाई है बोलता है। सो मुझे ऐसा क्यों लगा कि चीजें छुपाई जा रही है? ठीक है, नेवर माइंड नेवर माइंड। जो प्लेन पाथ है वो रिपनॉय जा ऊपर, क्योंकि अगर किसी तरीके से टीम एक्स पार रेकनिंग को वाइप आउट कर देती है तो फायदे में रहेंगे, बट ये देखिए हंटर्स का एक ग्रेनेड आता है और टीम एक्स पार के जो कप्तान है वो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। ग्रैविटी आईजीएल फॉलो अप करेंगे, सारंग का भी नॉक निकालेंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक खिलाड़ी भी गवा रहे, निंजा जॉर्ड छोटे से वॉशरूम के अंदर वो भी फंस चुके हैं, और उनको भी जिंदा जलाया जाएगा। रेकनिंग लाजवाब तरीके से अपना बाउंटी भी डिफेंड करते हुए, देखिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स भी आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है, और कार्निवल गेमिंग इनकी भी फाइट छिड़ चुकी है, और ठीक इनके सामने अब देखते हैं किस तरीके से वो फाइट लेंगे। और रैंगटैन के खिलाफ गॉब्लिन हो चुके हैं डाउन, एक एओपी उनको भी परास्त किया जाएगा। कार्निवल गेमिंग मानो ऐसा लग रहा है कि एक रौद्र रूप इन्होंने धारण कर लिया है, अब इसका परिणाम किस प्रकार से निकलेगा ये एक बड़ा सवाल। और रैंगटैन आए भी चले भी गए, एंड कार्निवल गेमिंग हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर्स ऑफ टीम में नियो गॉब्लिन, बट इस फाइट के अंदर देखिए किस तरीके से अद्भुत गेम। गॉडविल कैडमी ने ट्राई अच्छा करा, पहला नॉक निकाला रीपर पे, बट अफसोस दूरदराज हल्क ने एक अच्छा कवर फायर देकर यहां पर एडमिनो को नॉक कर दिया। हल्क को एक क्लीन साइट मिलता है, वो एडमिनो को गेम से बाहर निकालना जरूर चाहेंगे, बट जस्टिन बढ़िया स्प्रे कनेक्शन बनाया और एंटिटी के आईजीएल को यहां पर छन्नी छन्नी करके नॉक कर दिया। देखिए ब्रिज की तरफ कितना ज्यादा हमें गहमा गहमी देखने को मिल रहा है, इतनी सारी टीम्स मौजूद, और इसी दौरान टीम गॉडलाइक अब थोड़े से असमंजस में कि जाए तो जाएगा, एडमिनो को तो बचाना संभव था, को गवा भी दिया है हल्क, वो फिनिश अपने लिए सिक्योर भी करेंगे। बट जैसा आपने देखा जोनाथन का ग्रेनेड ये बयां करता है कि वो स्टेयर केस का कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं देंगे, बट दूर दरार नियो ने एक बढ़िया नॉक एंड फिनिश निकाला, टीम जी के आईजीएल कैप्टन स्काउट ओपी को गेम से बाहर निकाला। के लिए जोनाथन ये भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, एक नॉक मिल जाए, इस बार कनेक्शन इस ग्रेनेड के साथ, इसी के लिए तो मशहूर है, इसी के लिए तो जाने माने जाते हैं। और हल्क आखिरी बचे खिलाड़ी टीम रेवन ईस्पोर्ट्स के भारी दबाव में, क्योंकि टीम गॉडलाइक अब ये थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहते हैं, बस बात यही है कि क्या इनके पोजीशन के बारे में वाकिफ हैं कि सर्कल का जो अगला शिफ्ट होगा उसी के आधार पे वो चले। बट ट्रॉय एंगल मिला ही क्या था और क्या बेहतरीन नॉक निकाला, अब जोनाथन को तो बचाया नहीं जा सकता, वो तो अपनी जान की गुहार लगाएंगे, और देखिए ये फिनिश ऑफ हो चुके हैं, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। जोनाथन का फ्रैग चुराया गया है, नॉक किसी और ने किया था, खत्म किसी और ने, बट इस फाइट में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इट्स आई थिंक इट्स मोगो वर्सेस रेकनिंग, अकेले हंटर्स बचे हैं, जब तक ये प्लेयर जिंदा टीम जिंदा, बट मोगो के प्लेयर देखिए कैसे भूखे शेरों की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये हंटर को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जस्टिन ही नीड्स टू गो बिग, शॉट कनेक्शन बना नहीं पा रहे, बट आखिरी में With that M4, he made it possible. Rob been getting immortal. Sports के ऊपर अभी वार कर सकते थे, but Carnival Gaming इस game के दौरान बहुत ही hot form में चल रहे थे, but इन्हें भी रंगे हाथ पकड़ा गया। Neo आखिरी बचे खिलाड़ी हैं, काफी कम HP, Goblin अपनी जान जरूर गवाएंगे, और Neo उनका भी पतन देखने को मिलता हुआ। एक knock तो निकालना अनिवार्य है, अगर Team Z को ये game जीतना है। Team Godlike finally top 3 में, वो भी प्रवेश कर चुके हैं, और ये देखिए ये नहीं करना चाहिए था। Robin ये एक सुंदर सा नॉक निकालेंगे आईडी के ऊपर, और जी गॉड वो फिनिश चुराते हुए। ये फिक्स सिचुएशन वो है कि अगर कोई मोगो से चिकन डिनर छीन सकता है वो टीम जी हो सकती है, बट इस फाइट का इंटेंसिटी कभी भी बढ़ चुकी है। दक्ष को ग्रेनेड किया, पंख का ग्लोबल ग्रेनेड, एक साथ मोगो के प्लेयर, टीम जी के प्लेयर सबको शिकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। इस पेड़ के आसपास एक हाई ऑक्टेन बीजमाई हमें देखने को मिल सकती है। 1v3 का ये पोजीशन है, और पंख
अकेले बचे खिलाड़ी, जी गॉड ऑलरेडी डाउन है, वो फिनिश तो निकाल लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। पंक ने यहाँ पे डेल्टा का कॉन्फर्मेशन लिया, टीम गॉड लाइक काफी करीब इस बार चिकन डिनर निकालने के लिए, बट नंबर्स काफी ओवरवेलमिंग है, पॉट्स बस एक फिनिश दूर अपने चिकन डिनर से। थोड़ी देर होल्ड बैक करके रखते पंक, थोड़ा स्नीकी गेम खेल सकते थे, बट भाई डिफेंडिंग चैंपियंस ने अपना दूसरा चिकन डिनर निकाला है, यू बिकम द फोर्थ टीम। वो सब छोड़ो, सबसे ज्यादा जो खबर बन रही है ना वो ये कि डेस्ट्रो और रोमन दोनों आज साथ में खेल रहे हैं, क्या हो गया भाई? नहीं नहीं, हमारा एक प्लेयर अभी थोड़ा उसकी तबीयत खराब थी, और ऐसा था कि हमें केमिन डेज जीने थे अपने पुराने, एज अ टीम उस टाइम भी खेले थे, तो भरोसा था कि अच्छा ही खेलेंगे, साथ में खेलेंगे, तो वही। ओके एक सेकंड, ये जो बात बोली है रोबिन, जब डेस्ट्रो नहीं था यू वर दी आईजीएल, ठीक है, जब तुम्हें पता है कि तुम दोनों एज ए यूनिट इतने स्ट्रांग हो और तुम दोनों जब खेलते हो हमने देख लिया नतीजा क्या निकला है, व्हाई डोंट यू बोथ प्ले इन द प्लेइंग फोर यूजुअली? नहीं मेन अभी जिस हिसाब से पॉइंट टेबल चल रहा है और जिस हिसाब से टीम में फायर पावर की नीड रहती है, तो इसलिए हमारे साथ शोगन है और वही प्लेइंग फोर में खेलता है, तो ये रीजन है उसके लिए। चलिए मैं दूसरे के पास वापस जाता हूँ। आईजीएलिंग कौन कर रहा है अभी? मिक्सी है साथ में चल रहा है, इजी है उसके लिए भी, मेरे लिए भी डिसीजन मेकिंग ऐसा है कि मेरी कॉल आती है तो वो साथ में आ जाता है, उसकी आती है तो हम साथ में आ जाते हैं, और इन दोनों के लिए भी इजी है अभी। डेस्ट्रो पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी, कुछ मैचेस थे यू वर सिटिंग आउट, और जब भी मैं तुमसे बात करता था यू सेड के भाई आगे देख लेंगे क्योंकि अभी उतना प्रेशर नहीं है। एक बहुत फाइन लाइन होती है बिटवीन बीइंग कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट, आई थिंक तुम वो लकीर हो बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। रोब आने वाले जो मैचेस हैं उसमें क्या प्रतिक्रिया है, क्या स्ट्रेटजी होगी, बिकॉज आर यू लुकिंग एट मे बी मूविंग अप सीधा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना, या तुम्हें पता है कि नहीं हम चाहते हैं कि ये मौके चैलेंजेस जो आते रहें? नहीं, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि वीक वन वॉज मोर अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग फ्रॉम आर एंड, हमने देख लिया क्या चीज़ें वर्क नहीं कर रही है हमारे लिए, वीक टू हम अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। कल स्टार्ट हुआ था, कल मैच अच्छा नहीं गया था, बट हमारा माइंडसेट क्लियर इस वीक को लेकर हमें अपना बेस्ट ही देना है, एंड टॉप फोर आए नहीं आए वो तो बात की बात है, अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट फिर जो भी है। सो यू वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट गाइस दैट आई नो, मेरे को पता है कि तू भाई बिल्कुल सच ही बोल देगा। एज वी स्पीक जो तुम्हारा गेम चल रहा है अभी, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अपने आप को जिस पोजीशन पे तुम हो, हाँ चिकन डिनर निकाला है, हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू वांट टू गिव? अगर आउट ऑफ 10 इफ आई हैव टू रेट मायसेल्फ, आई थिंक अभी हम एज अ टीम 7 या 6 पे है, मिस्टेक्स कर रहे हैं, बट वही फाइनल्स तक हम उसको 9-10 तक ले आएंगे। बाउंटी भी एक सिक्योर करी थी बोगो ई-स्पोर्ट्स ने, चिकन डिनर भी आया है 29 पॉइंट्स इनके समान है, और कार्निवल गेमिंग के लिए तो बाउंस बैक बनता है, लेकिन देखना यह है कि कहां तक बाउंस बैक करके खुद को ला पाएगी मोगो ई-स्पोर्ट्स की टीम इनटू द टॉप 4। No doubt, इस बार फ्लाइट पाथ भी बॉक्स में जाके है, फ्लाइट से फाइट तो स्टार्ट भी हो चुका है। गोलियों की गूंज हमें सुनाई दे रही है और टीम जी यहाँ पे फाइट में ऑलरेडी मौजूद, ऑलरेडी काफी सारे नॉक्स निकाल चुके हैं, एंड जूसी आप देखिए वो भी डाउन हो चुके हैं। इस समय दक्ष के ठीक सामने कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी मौजूद, और कार्निवल गेमिंग भारी असुविधा में। जी हाँ, फाइट की बात रही तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉक निकल चुका है, इस नॉक को देखते हैं क्या कंफर्मेशन में यहाँ पे तब्दील कर पाएंगे। एक और नॉक निकला है, टीम जी को यहाँ पे बचना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, क्या विकल्प है उनके पास वो एक बहुत बड़ा सवाल। नहीं हो रहेंगे इकलौते खिलाड़ी कार्निवल गेमिंग, क्या इनका यहाँ पे सफर समाप्त होने वाला है? केवल पिस्टल के साथ ये फाइट निकालना, ये सिम नियो करके दिखा सकते क्या और यहाँ पे बेहतर एग्जीक्यूशन है वो सवाल है। क्लोज बैट की तरफ जाते हुए फाइनली एक और नॉक निकाला गया स्काउट पे, ये तो आपको बचना चाहिए था, संभलना चाहिए था, बट न्यू ने बोला जी नहीं वो मौका मैं आपको दूंगा नहीं। क्या ये एक पिस्टल क्लच रहेगा? ये अगर हो जाए तो बहुत बेहतर कार्निवल गेमिंग के लिए, या फिर अगर कुछ मेड्स भी मिल जाए यहां से, अगर रवाना भी हो सकते तो बेहतर रह सकता है, पर अभी के लिए वैसा कुछ भी विकल्प नहीं है। और एक 1v1 की परिस्थिति में यहाँ पे फाइनली वो S12K मिलता हुआ, अगर एक और फर्स्ट एड मिल जाता तो काफी ज्यादा बेहतर हो सकता था, इस फाइट को पूरे तरीके से बराबरी में लाई जा सकती थी। 75 HP यहाँ पे रिकवर करना वो इनको ज्यादा जरूरी है, और उसको लिए यहाँ पे बैंडेज अप्लाई में करते हुए देखने को मिल रहे, सामने से पे कामयाब हो रहे, और एक वक्त ऐसा आएगा जिसके बाद आपकी चीजें यहाँ पे आसान हो, आपको मुश्किल में डाल जाए, उसका ध्यान रखेंगे। फाइनली वो क्लोज फाइट न्यू, ओ माई गॉड, पहले पिस्टल के साथ और उसके बाद S12K, एक 1v3 किया गया, टीम जी हैरान परेशान कि ये हुआ तो हुआ क्या। बचे खिलाड़ी उनके ऊपर टूट पड़ना चाहेंगे, और इसी दौरान टीम एक्सपार्क बनाम टीम काफी डीएम देखने को मिलता हुआ, जहां पे गमला बॉय ऑलरेडी नॉक और फिनिश हो चुके हैं। लॉबी के सबसे अच्छे फिनिश निकालने वाली टीम के अगेंस्ट अगर आप आए हो तो थोड़ा विचार करके आए, जिसमें एक्सपार्क तो अभी तक चीजों को बेहतर कर रहे, लेकिन इकलौता खिलाड़ी गन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है अभी कार्पेट डीएम के पास की उन्हें इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन से साथ ही यहाँ पे निंजा जॉट ने एक नॉक निकाला, टीम फॉरएवर के पीछे पड़ चुके हैं, एंड टीम फॉरएवर इस बात से बिल्कुल वाकिफ भी है कि आइकू सोल उनके ऊपर किसी तरीके से स्लैम इन करना चाहती है, ओमेगा वो शिकार बन सकते हैं। देखिए तीन खिलाड़ी ऑलरेडी उतर चुके हैं, बट जोकर इनका भी ट्रेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता हुआ,
एक एक करके नॉक यहाँ पे निकाला जाएगा, ऐश भी डाउन हो चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आखिरी वो कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो अपनी टीम को आगे लेके जाएगा। अभी भी आप देखिए वो इन्फॉर्मेशन का गेम चलता हुआ कंटिन्यूसली, जो खिलाड़ी नॉक है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक्जैक्टली ये खिलाड़ी यहाँ पे आप आके इन्हें डाउन कर सकते हैं, लेकिन वो रिवाइवल की तरफ जाना क्या इस वक्त एक बेहतर डिसीजन रहेगा। व्हीकल के साथ रन ओवर की कोशिश, उसने फायदा हुआ फिनिश के रूप में, जोकर को इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया और कंटिन्यूसली उस व्हीकल के साथ अटैक हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। टीम आई कुसोल व्हीकल फाइट के लिए मशहूर ये टीम, उन्होंने ही इस मेटा को लेके आया था, लेकिन टीम फॉरएवर ने बोला हम आपसे बेहतर कर सकते हैं और उन्होंने किया भी, स्लैमिंग भी करने से हिचकिचाएंगे नहीं। रेवेनेंट व्हीकल स्टार्ट करके सीधा आगे जाना चाहते हैं, बैकलाइन पूरा क्लियर करना चाहते हैं यहाँ पे फिक्सेस, क्या ये बेहतर डिसीजन हो सकता है इनके तरफ से। जो षड्यंत्र रचा था सेंसे ने वो फाइनली रंग लाता हुआ उनके लिए, एंड ये ग्रेनेड के साथ मोगो स्पोर्ट्स आई थिंक एक और खिलाड़ी डाउन जरूर से हो सकते हैं, एंड रॉबिन के ऊपर शिकार और रेवेनेंट देखिए गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं, बट ध्यान पूर्वक खेलना पड़ेगा क्योंकि ओरैंगुटैन दोनों के बीच में भी वो फाइट छेड़ सकती है। और देखिए बहुत अच्छा आपने मेंशन किया कि एक तरफ रेवेनेंट खड़े हैं दूसरी तरफ ओजी खड़े हैं, तो मोगो जाएंगे फाइट करके ही, वो बिना फाइट के तो नहीं जाने वाले यहां से। रॉबिन सर्कल का प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, पांचवा स्टेज व्हीकल देखा जरूर किया, स्प्रे भी किया गया, डैमेज भी किया गया, नॉकआउट कर पाए एसएनसी के एचपी काफी ज्यादा। और मुझे लग रहा है सबका फायदा जो है टीम रेवन ईस्पोर्ट्स उठा सकती है, ओरैंगुटैन हल्का सा वहां पे गाड़ी अभी भी शेष है और रेवेनेंट देखिए एक लॉन्ग स्प्रेड था और फिर से फ्लॉक को ओपनिंग निकालते हुए, अब तो पुश कर लेना ही चाहिए, ये अनिवार्य है। ए के ओपी आखिरी बचे खिलाड़ी हमने देखा है कि क्षमता रखते हैं यहाँ पे क्लचेस निकालने की, सेफ घुसना जरूर चाहेंगे, हाथ में उनके एसएल के है और रॉन दिया जाएगा, बट स्टिल एम गॉट पीछे से वार करते हुए एंड ए के ओपी अभी भी जीवित है और वो फिनिशेस चुराए जा रहे हैं। एके ने बताया कि क्यों वो सबसे ज्यादा खतरनाक है इस लॉबी में, प्ले जोन से बाहर हुए ये खिलाड़ी, आखिर तक लड़ा, मानो ही उनकी वो आखिरी लड़ाई थी और इस तरीके से लड़ा कि रेवेनेंट को यहाँ पे बहुत नुकसान पहुंचाया के जा चुके ऑलरेडी। अमोगो भी ट्राई करेंगे सर्कल के बाहर, वो फिनिश होते हुए देखने को मिल जाएंगे। गॉड्स के आगे कई बार हमने देखे कि चीजें आपके अनुसार चलती नहीं और मल्टीपल ग्रेनेड्स हमें आदान प्रदान होता हुआ देखने को मिलेगा। रेवन ने बोला हमारे पास है मैन एडवांटेज, हमारे पास है वो सिचुएशन और इसी के साथ लेके जाएंगे विद अ विन। आर यू लुकिंग फॉर चिकन डिनर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज़ वी हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ टीम्स एंड फॉर देम फिनिश पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, फिनिशेस आर इंपॉर्टेंट, दे वांट टू जस्ट क्लाइम 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 ऑन द लीडर बोर्ड। We got a bounty points. We are a bounty team. So I played for only chicken dinner. We got chicken dinner. Yeah. You know, last week as well, it's almost like we are in a deja vu kind of a situation because you guys had a bounty on you. And in that situation, under pressure, you delivered and picked up a chicken dinner. Do you enjoy these kind of situations when the pressure is just so much? We thought we will be targeted by some other teams. So we played as a passive team. So we got a dinner. What do you have to say about Aim God, who is literally spitting fire? Because yesterday, listen. Yesterday when he was there with us for that standout player interview and we asked him, what's with the name Aim God? Man, it was a mic drop moment for us. He's like, hey man, 8 finishes. What else do you name me? He always does this, bro. He's Jod. He's Aim God. He has aim, perfect aim. So he's Aim God. He always takes free kills everywhere, anywhere. You'll be looking for kills. His motto is kills. Mid fight moment mein. But do you think they could have pushed this even further? Because ye game thi. God's win. Haan, inhone bhi. Hamare saath Carnival Gaming ke Neo hain. 9 finishes. Yaar, ek to na ye gaadi jo hai wo 9 pe aake atak gayi hai. AKOP yaad aate hain, Hunters yaad aate hain. Aaj tumhare bhi 9 finishes the. At some point during the day, ginte ho ke kitne finishes hain? Should I break the record? Aise ginta to kaun hi hai. Aage to aage, nahi aayega to nahi aaye. Kya hi hai? Neo, alag-alag roles jo hain. वो आपने अपनाए हैं एंड यू हैव डन फिनोमिनली वेल, असॉल्टर, फ्रैगर, फ्रीमैन भी खेले हो। पर्सनली स्पीकिंग, किस रोल में तुम अपने आप को सबसे ज्यादा इफेक्टिव समझते हो? मतलब मैं तो ऐसे नॉर्मली ऐसा असॉल्टर ही खेलता हूँ और वही मेरा नेचुरल रोल है तो वही खेलूंगा। अभी ऐसा फ्रीमैन भी खेल लेता हूँ और मतलब स्विच होते रहते हैं अब तो, मतलब सभी फ्लेक्सिबल प्लेयर है यहाँ पे मेरी टीम में, अब पहले का नहीं पता। 9 फिनिशेस निकाले हैं, लेकिन यू नो नियो, जब भी हम कार्निवल गेमिंग की बात करते हैं कुछ नाम है, ऑफ कोर्स गॉब्लिन का है, यू नो हाई प्रोफाइल प्लेयर। How do you feel about being the unsung hero, जो वो सब कुछ करके निकालता है जिससे टीम जो है वो लीडर बोर्ड पे ऊपर पहुंचती है? ऐसा हाई प्रोफाइल प्लेयर तो मतलब हाँ काफ़ी पॉपुलर है, बट अपने तो टीममेट ही है नॉर्मल और हम तो एक दूसरे को पुश करते हैं कि अच्छा मैचेस जाए, अच्छे मैचेस जाए, ऐसे ही चलता रहता है, मतलब नॉर्मल ही है। यू नो, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 टीम्स जो हैं वो प्लेऑफ्स में खेलेंगे और जो टॉप 4 टीम है जिन पर हर बार बाउंटी लगी रहती है वो जाएंगी सीधा फाइनल्स में। जब तुम लोगों की बातचीत चलती है बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डे, फिलहाल कार्निवल गेमिंग के टारगेट्स क्या हैं? फिलहाल तो अपना ही टारगेट है कि 4v4 के लिए जाओ और पॉइंट्स निकालो, मतलब गन फाइट्स के लिए जाओ, क्योंकि
कोई टीम सीरियस तो खेल नहीं रही है, बंदे भी कमी बच रहे हैं, तो जैसे लॉबी खेल रहे वैसे हम खेल रहे। हमने ट्राई करा था सीरियस खेलने का बट कैजुअलिटी हो रही है तो फिर सबका ही दिमाग खराब हो रहा है। उनका छोड़ो, गन फाइट खेले जाते हैं और क्या। ऑलराइट, ऑडियंस का एक सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, मेरे जैसे पेचीदा सवाल नहीं है। क्या कार्निवल गेमिंग इस बार का खिताब जो है वो टूर्नामेंट जो है वो जीत रही है? बिल्कुल जीत रही है, पूरा कॉन्फिडेंस है सबको, मुझको भी, मेरी टीम को भी। एक और ऑडियंस क्वेश्चन, नियो अपने प्राइम में कब दिखेगा? देखो इसका तो मैं क्या ही जवाब दे सकता हूँ, बट हाँ जल्दी दिखेगा क्योंकि मेरे को भी परफॉर्म करना है यार, बहुत टाइम से नहीं करा और अभी मेरे को ऐसा मेरे को लगता है कि अब जाके मेरे को कुछ रियल चांस मिला है। प्राइम नियो जो सब लोग बात कर रहे हैं, फैंस जो देखना चाहते हैं, फिलहाल नियो अपने प्राइम वर्जन से कितना दूर है? थोड़ा सा ही दूर है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा और, थोड़ा टाइम लगेगा शायद और एक महीना, बट हो जाएगा, सब भरोसा तो है मेरे को। हमारी ओवरऑल रैंकिंग्स और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या स्विचेस आज हमको देखने को मिले। चेस तो चल रहा है लेकिन आज उनका भी एक स्लो डे था।